स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा सुसंबंध या संबंधित पाठ्यक्रम एवं एकीकृत पाठ्यक्रम। यानी कि मैं जो आपको पाठ्यक्रम के प्रकार के बारे में पढ़ा रही थी, उनमें जो हमारा आज लास्ट है वो है सुसंबद्ध संबंधित पाठ्यक्रम एवं एकीकृत पाठ्यक्रम। मैंने 8 प्रकार आपको बताए थे, 8 प्रकार में से हमने इसके 6 प्रकारों का हमने वर्णन किया। अब हमारा जो लास्ट में है वो 7 और 8 टॉपिक, वो है हमारा संबंधित पाठ्यक्रम व एकीकृत पाठ्यक्रम। पहले मैंने आपको जो पाठ्यक्रम बताए, मैंने सारे पाठ्यक्रमों का वर्णन किया, उसी तरीके से इन दोनों पाठ्यक्रमों का भी वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले सुसंबंध या संबंधित पाठ्यक्रम होता क्या है, तो इससे मैं ये कहूँगी, जहाँ ये वर्ड आ रहा है सुसंबंध, यानी कि जो किसी से संबंधित हो, यहाँ पर भी है संबंधित, यानी कि जिसका किसी से संबंध हो, तो इसमें ये कहा गया है, जिस तरह से हमने कोर पाठ्यक्रम में पढ़ा था कि वहाँ पर हम दोनों विषयों का चयन करते हैं, ऐच्छिक विषयों का और अनिवार्य विषयों का, यानी कि वहाँ हमारा संबंध है या नहीं इससे नहीं है मतलब, लेकिन यहाँ पर हम जो पाठ्यक्रम लेंगे वो पाठ्यक्रम हमारा इसी से संबंधित होना चाहिए, अर्थात सहसंबंध। यहाँ हम देखें तो यहाँ जो हमारा संबंधित पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम हमारा जिस तरीके से हम विषयों में संबंधों को जोड़ते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हम विषयों की जो इकाइयाँ पढ़ते हैं, विषयों में हम जो इकाई पढ़ते हैं उन इकाई का दूसरी इकाई से संबंध होता है। तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, जब हम विषयों में पढ़ते हैं, हमारे जो इकाइयों में उनका डिवाइडेशन होता है, हम पढ़ते हैं प्रथम यूनिट, सेकंड यूनिट या थर्ड यूनिट। तो हमने ये देखा है कि जो हमारी विषय होती है, हम मैं एग्जांपल हमारी स्वयं की जो हमारी बुक है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, उससे संबंधित मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पुस्तक हम पढ़ रहे हैं तो हमारी जो यूनिट बनेगी, अर्थात हमारी जो इकाई बनेगी, वो इकाई कौन सी होगी, सर्वप्रथम हम ज्ञान लेंगे, यानी कि ज्ञान की इकाई। अब ज्ञान हम ले रहे हैं तो ज्ञान हमारा जुड़ा हुआ होता है शिक्षा से, क्योंकि हम हमारे शैक्षिक उद्देश्य से पढ़े, हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो हमारी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो किससे संबंधित कर रहे हैं, शिक्षा से, यानी जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो हम शिक्षा से, और शिक्षा में जब ज्ञान उसमें समाहित है तो ज्ञान के लिए हम क्या बनाते हैं, पाठ्यक्रम, अर्थात कि हमको ज्ञान किस किस तरीके से और किस तरीके से लेना है। इसलिए हमारी सेकंड यूनिट किससे बन गई, हमारे पाठ्यक्रम से। अब जब पाठ्यक्रम से हमारी यूनिट बनी है तो उसका संबंध किससे होगा, कि हम पाठ्यक्रम में किन किन नियमों का पालन करते हैं, उन नियमों में हम किन किन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, या फिर हम ये कहें कि ये पाठ्यक्रम किन किन वैज्ञानिकों ने, किन किन शिक्षाविदों ने अलग अलग बनाए, तो ये हमारी सेकंड यूनिट बन गई। अब सेकंड यूनिट बनने के बाद हम ये भी, इसमें थर्ड यूनिट हमने ये देखा कि इस यूनिटों का जो पाठ्यक्रम का संचालन होता है वो हम किस किस विभागों में करते हैं, हम हमारे यहाँ पर जो हमारे पाठ्यक्रम संबंधित चीज़ें होती हैं वो कहाँ मिलती हैं, हमें हमारी लाइब्रेरी में, यानी कि ये कहा जाता है कि जो ये सुसंबंधित पाठ्यक्रम है इसमें विषयों की जो इकाइयाँ होती हैं उनसे संबंध स्थापित होना चाहिए, उनमें एक तरीके से अपना सहसंबंध होना चाहिए। तो ये बताया कि हमारा जो पाठ्यक्रम है आज का, वो पाठ्यक्रम हमारा किस आधार पर है, कि हमारे पाठ्यक्रमों में आपस में जो विषय हो हैं उनमें, विषयों के अंदर जो हमारी इकाइयाँ हैं उनके अंदर हमारा सहसंबंध है। तो यही है इसकी सहसंबंध पाठ्यक्रम, या कहते हैं कि संबंधित पाठ्यक्रम कहते हैं। अब इसकी हम विशेषताएं देखेंगे, तो प्रथम हमारी जो इसकी विशेषता है वो है कि विभिन्न विषयों में परस्पर सहसंबंध, यानी कि हम जब विषय पढ़ते हैं अलग अलग तो उनमें भी ये सहसंबंध स्थापित करता है, यानी कि हम विषय पढ़ रहे हैं, हम लेके चले कि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, हमने देखा है कि कई बार हम जो आज हमारी बीएड कर रहे हैं, बीएड में हमने कई पुस्तकें ऐसी देखी हैं जिनका की संबंध है, हम देखें यहाँ पर जो हम कंपलसरी बुक पढ़ते हैं उनमें भी आपस में कुछ जो हमारे टॉपिक होते हैं
होते हैं वो आपस में मिलते हैं। हमने ये देखा कि जहाँ हम यहाँ पर विषयों में परस्पर संबंध कर रहे हैं, हम हमारी पढ़ाने का जो एक दूसरे से हमारे विषयों का अंतर संबंध यानी उन दोनों में संबंध स्थापित होता है, विभिन्न विषयों में परस्पर सह संबंध, यानी कि जो हम विषय पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं हमने साइंस मैथ ले ली, तो साइंस मैथ का कहीं ना कहीं उसमें संबंध होता है। हम विज्ञान पढ़ेंगे तो विज्ञान में भी कहीं ना कहीं हमारे न्यूमेरिकल्स जो हमारे मैथ्स के आते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि विषयों में सह संबंध होता है और सह संबंध होता है उसी के आधार पर जो हमारी इकाइयाँ बनाई जाती हैं, फिर उन इकाइयों में भी हमारा सह संबंध स्थापित हो जाता है। सेकंड है हमारा ज्ञान का एकीकरण। जब हम विभिन्न इकाइयों को पढ़ते हैं तो विभिन्न इकाई मिलकर एक हमें पूरा ज्ञान प्राप्त करवाती, यानी कि जो पुस्तक हम जिस पुस्तक का हम जिस विषय का हम ज्ञान ले रहे हैं उनका जब हम छोटी छोटी इकाइयों में जब हमने उनका विभाजन किया है और फिर हम उनको एकीकृत करते हैं, उनका एकीकरण करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा कि यानी कि जो ज्ञान हमने टुकड़ों में लिया है वो ज्ञान हम पूर्ण रूप से हमारे ज्ञान का एकीकरण हो जाता है। कि हम जब ज्ञान को जब कहते हैं ना कि जब हम सिलेबस देखने बैठे तो ये हमारे पाठ्यक्रम का रूल है कि पाठ्यक्रम को हमें हमेशा सरल से कठिन की ओर लेके जाता है, तो सरल करने के लिए हम क्या करते हैं उसका छोटे छोटे भागों में हम उसका विभाजन करते हैं। जब हम पूर्ण उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं हम उसको एकीकृत कर देते हैं, तो उसमें कहते हैं कि जब हम पूर्ण विषय का उस विषय का ज्ञान ले लेते हैं तो हम उसका हमारा क्या हो जाता है उस ज्ञान का एकीकरण हो जाता है। सेकंड है ज्ञान एक इकाई के रूप में, जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा संबंधित पाठ्यक्रम है उसमें हम ज्ञान इकाई के रूप में लेते हैं, यानी कि जो हमारा इसका विषय वस्तु का जो हमारा पाठ्यचर्या जो हमारा बनता है वो हमारा किस आधार पर बनता है इकाई के रूप में, यानी पाठ्यक्रम जब विशेषज्ञ बनाते हैं उन विषयों का विभाजन करते हैं तो विषयों के विभाजन के साथ साथ वो हमारी जो प्रत्येक विषय है उनके भी हमारी जो इकाई है उनका विभाजन करते हैं। तो हम ज्ञान भी उसी इकाई के रूप में लेते हैं, हम ये पढ़ते हैं प्रथम इकाई में हमारा ये टॉपिक है, सेकंड इकाई में हमारा ये टॉपिक है, अर्थात हम ज्ञान भी इकाई के रूप में प्राप्त करने लग जाते हैं। फिर है हमारा वास्तविक अनुभवों को अंतर संबंधित करना, यानी कि जो हमारे अनुभव होते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि इस ज्ञान में जैसे जो हमारे अनुभव पाठ्यक्रम था उसमें हम अनुभवों का समावेश करते हैं, लेकिन इसमें कहते हैं कि जो अनुभव हम ले चुके कई बार क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार जब हमारी विषय है तो उसमें हो सकता है हमारी उस इकाई का उस इकाई में परिवर्तन कर दिया जाए या उस इकाई में कुछ नया जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर जो अनुभव जो हम कहें कि पहले जो बच्चे उस चीज़ को पढ़ चुके वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमें नेक्स्ट भी हमारे नेक्स्ट ईयर हमें वो टॉपिक मिले। इसीलिए इसमें जो अनुभव लिए हमने पुराने बच्चों से तो उन अनुभव पर क्या होता है इसमें अंतर हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर हमने वो टॉपिक हटा दिया तो वो अनुभव में अंतर आ गया, वो हमें वो अनुभव नहीं दे सकते जो अनुभव हमारे पास है। तो इसीलिए जो जिस इकाई के रूप में हम ज्ञान ले रहे हैं तो उसमें अंतर आ जाता है कि वो इकाई जब हट गई है या हम कहें कि वो टॉपिक हटा दिया गया है तो हमारे और उनके अनुभवों में हम क्योंकि हम जो अनुभव ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे नए प्रकरण के आधार पर नई इकाई के आधार पर और जो वो हमें ज्ञान देना चाह रहे थे वो उनकी पूर्व इकाई के रूप में जो उनका पहले टॉपिक था उसके आधार पर, तो यहाँ हमारे अनुभवों में अंतर हो गया, यानी कि जो वो ज्ञान हमें देना चाह रहे थे और हम जो बात जो लेना चाह रहे थे उन दोनों में हमारा अंतर दिखाई दिया। फिर है हमारा विषयों का पुनर्बलन। कहते हैं कि जो हमारे सुसंबंधित पाठ्यक्रम हैं वो एक दूसरी विषयों को पुनर्बलित अर्थात फीडबैक देता है। हम ये कहें कि हम विज्ञान के साथ मैथ पढ़े तो हम पढ़ सकते हैं, हम ये कहें कि हम हिंदी के साथ अगर हम ये कहें कि हमने जहाँ विषयों का चयन किया हिंदी के साथ हम मैथ का नहीं पढ़ सकते, कहते हैं कि इसमें पुनर्बलन यानी एक दूसरे को वो फीडबैक देते हैं कि हमारी विषय कितनी अच्छी है, तो इसमें इन चीज़ों का समावेश होता है, इसमें बताया गया है कि विषयों का पुनर्बलन होता है। फिर है समय सारणी में
अलग अलग विषयों की व्यवस्था। जब हम हमारा जो कहते हैं कि विद्यालय में या हम कहें कि हमारे जब समय सारणी हमारा टाइम टेबल बनता है तो हम देखते हैं कि हमारी विभिन्न विभिन्न विषयों की हमारी अलग अलग बैठने की व्यवस्था होती है और हमारा अलग अलग उनका समय होता है जिसे हम ग्रहण करते हैं। तो संबंधित पाठ्यक्रम में जहां हम सभी विषयों का इसमें समावेश होता है तो प्रत्येक विषयों का जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उन विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबका जो टाइम टेबल है जो समय सारणी है वो अलग अलग समय की होती है और हम उस अलग अलग समय में हम वो ग्रहण करते हैं वो ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो इसमें बताया गया कि समय सारणी में अलग अलग जो हमारी बैठने की व्यवस्था अलग अलग विषयों के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर आता है एक समय पर एक ही समय पर मिलते जुलते प्रकरणों का ज्ञान। कई बार ऐसा होता है कि जो बताया कि भाई यहाँ पर बताया था कि विषय को पुनर्बलित करते हैं एक दूसरे को जोड़ते हैं तो इसमें बताया गया कि कई बार ऐसा होता है संबंधित पाठ्यक्रम में क्योंकि वो जोड़ रहा है किसी को। अगर हम ये कहें कि हम जहाँ इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास जब हम पढ़ रहे हैं तो इतिहास में हम कालों का वर्णन कर रहे हैं कि मध्यकाल जो हमारे काल आए थे उन कालों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उसे किससे जोड़ देते हैं हमारी भाषा से हम हिंदी विषय से जोड़ दें हम उसमें ये जोड़ दें कि मध्यकाल में कौन सा काल था तो वहाँ कहीं ना कहीं उन प्रकरणों में आपस में संबंध स्थापित हो जाता है कि इतिहास के साथ हमने हिंदी के काल को भी जोड़ दिया तो एक साथ वहाँ के दो प्रकरण मिल गए और वही प्रकरण मिलते जुलते होके दो विषयों का एक साथ ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इसमें यही चीज़ बताया कि एक समय पर हम मिलते जुलते जब अलग अलग विषयों के प्रकरण ले लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो प्रकरण जिसका हम ज्ञान ले रहे हैं वो हमारी और यानी कि दूसरी विषय में भी उस प्रकरण का वर्णन होता है। फिर हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन कि इस प्रकरण जो हमारी इसकी विशेषताएं हैं उसके साथ साथ हमारे इसकी लिमिटेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम कहें कि विद्यार्थियों में भ्रम की स्थिति जब हम हमारा यहाँ एग्जांपल है कि हम एक प्रकरण को जब हम इतिहास में भी पढ़ रहे हैं और हम हिंदी में भी पढ़ रहे हैं और जहाँ मैंने यहाँ बताया कि हम विभिन्न विषयों में सहसंबंध स्थापित कर लेते हैं तो सहसंबंध जब हमारा स्थापित होता है तो यहाँ विद्यार्थियों को ये भ्रम हो जाता है कि आखिर वो किस विषय का अध्ययन करें। तो इसके लिए कहा जाता है कि विद्यार्थियों में भ्रम की स्थिति हो जाती है कि वो किस तरीके से किस विषय का ज्ञान ले रहे हैं। कई बार जब हम विषयों को नहीं समझ पाते हैं तो ये भ्रम होता है। आज भी हम कई बार सोचते हैं हम जो टॉपिक हमारा एक ही टॉपिक अगर हमारी दो तीन विषय में मिल जाता है हम सोचें आज हम जब बीएड कर रहे हैं या कुछ भी हमारे बीएड में टॉपिक ऐसे होते हैं कि एक टॉपिक हमारी दूसरी बुक पुस्तक में भी मिल जाते हैं। जब दूसरी पुस्तक में हमारा टॉपिक मिलता है तो हमें ये भ्रम होता है कि ये कौन सा टॉपिक हमें टीचर पढ़ा रहे हैं किस बुक का है ये तो ये भ्रम हमारे लिए पैदा हो जाता है। फिर है एकीकरण संभव नहीं कहते हैं कि हाँ जहाँ यहाँ बताया जाता है कि सभी विषयों में संबंध स्थापित किया जाए एकीकरण स्थापित किया जाए तो इसमें कहते हैं कि इसमें एकीकरण संभव नहीं होता क्योंकि अगर हम एकीकरण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पाठ्यक्रम में कमी आ जाती है। अगर हम कहें आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है प्रचलित पाठ्यक्रम में सुसंबद्धता की कमी यानी कि आज हम उसको जोड़ने की हमारे कहते हैं कि आज का जो पाठ्यक्रम है जैसे हम कह दें कि आज का पाठ्यक्रम या आज की शिक्षा है उस शिक्षा में हम कहते हैं कि हमारी व्यवहारिक शिक्षाओं का समावेश कम है जहाँ हम नैतिक मूल्यों का हमारी व्यवहारिक शिक्षाओं का समावेश कम है तो उसमें सिर्फ हमारे कौन सी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिसे हम कहें कि आज की शिक्षा या आज का पाठ्यक्रम जो है वो पाठ्यक्रम हमारा ओनली शिक्षा ग्रहण करने का और हमारी आजीविका चलाने का साधन मात्र बन चुकी है। इसीलिए कहते हैं कि जो आज का प्रचलित पाठ्यक्रम है उसकी सुसंबद्धता में कमी है। अगर हम कहें इसको एक इसमें कमी भी निकाल सकते हैं आप लिमिटेशन बता सकते हैं कि ज्ञान का जब हम पृथक इकाई मानकर पढ़ाते हैं तो क्या होती है ये पूर्ण
इकाई बनने में। कहते हैं ना हम इकाइयों का डिवाइडेशन कर देते हैं, विभिन्न विभिन्न इकाइयों में हम इनका विभाजन कर देते हैं। तो हम इसे जब पृथक करके पढ़ाते हैं और फिर हम उसका एकीकरण करते हैं तो वो एकीकरण हमारा सही नहीं हो पाता, या हम कहें कि ज्ञान की पूर्ण इकाई नहीं बन पाती, पूर्ण इकाई नहीं बन पाती। ये था हमारा किसका सुसंबंध या संबंधित पाठ्यक्रम की विशेषताएं और लिमिटेशन। अब हम पढ़ेंगे एकीकृत पाठ्यक्रम, यानी कि इसमें जो हमारा पाठ्यक्रम है एकीकृत पाठ्यक्रम, यानी कि जिसका यहाँ पर हम जो ना इकाइयों का विभिन्न विषयों की जो इकाइयाँ होती हैं अलग अलग इकाइयों को हम संबंधित करते हैं, यहाँ पर हम विषयों का एकीकरण करते हैं, एक विषय को हम दूसरे विषय से जोड़ते हैं। इसमें यहाँ पर विषयों का जैसा कि हम एग्जाम्पल कहें ना, इसमें अगर हम विशेषता फर्स्ट देखें ना कि विभिन्न विषयों में एकता, अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो आज का जो हमारा एकीकृत पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारी जो हमारी आज की भारतीय संस्कृति है, हमारा जो देश है विभिन्नता में एकता वाला हमारा पाठ्यक्रम है। अर्थात विषय अलग अलग लेकिन विभिन्न होते हुए भी हमें उस पाठ्यक्रम को एक ही देखना है या एक ही दिखाई देता है। हम कहते हैं कि बायोलॉजी हमने ली है, साइंस मैथ्स, तो हम बायोलॉजी के साथ हम साइंस लेते हैं तो हम साइंस के टीचर भी बन जाते हैं, अगर हमने बीएड किया और हम साइंस मैथ लेते हैं तो हम इंजीनियर भी बन जाते हैं। तो इसमें वही चीज़ बताई कि जिस तरीके से भारत में विभिन्नता में एकता दिखाई देती है उसी तरह से हमारे पाठ्यक्रम में भी विभिन्न विषयों में एकता का संबंध है या एकता विभिन्नता में एकता दिखाई देती है कि विषय विभिन्न है लेकिन उसमें फिर भी एकता है, इसीलिए इसको एकीकृत पाठ्यक्रम कहा जाता है। इसकी जो विषय है इसमें मैंने कहा है कि सबसे पहले इसकी जो विशेषताएं हैं हमारे पाठ्यक्रम की विशेषताएं, प्रथम विशेषता है हमारी कि विभिन्न विषयों में एकता स्थापित, यानी कि जो सबसे पहला इसकी जो नाम से इसका संबोधन है इसका एकीकृत, मैंने आपको बताया भी कि विभिन्नता में एकता वाला, तो ये अलग अलग विषयों में एकता स्थापित करता है कि विषय विभिन्न है लेकिन फिर वही हमें कैसे दिखाई देती है, एक दिखाई देती है। सेकंड है हमारी ज्ञान एकता के सिद्धांत पर, यानी कि हमने देखा है कि ज्ञान के जो सिद्धांत हैं बुद्धिवाद अनुभववाद है ना, तो ये सिद्धांत जो है ये सारे सिद्धांतों की एकता इस पाठ्यक्रम में दिखाई देती है, यानी कि हम बुद्धि से भी काम लेते हैं अनुभव से भी काम लेते हैं, हम कहते हैं कि इसमें विभिन्न सिद्धांतों का, इसमें मनोविज्ञान का सिद्धांत भी समावेश होता है, क्योंकि जब हम विषयों का चयन करते हैं तो वहाँ हम किसका करते हैं, हमारी मनोवैज्ञानिक, हमको जो हमारी हम चाहते हैं, कहते हैं कि अगर पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कोई सब्जेक्ट दिलाते हैं वो उनकी मनोस्थिति को जानकर दिलाते हैं, तो कहते हैं ज्ञान एकता के सिद्धांत पर है जिसमें सभी प्रकार से एकता दिखाई दे। थर्ड है हमारा वास्तविक अनुभवों पर आधारित, क्योंकि हमने देखा है, आगे मैं ये बताऊंगी भी कि एकीकृत पाठ्यक्रम को जो परंपरागत पाठ्यक्रम था उसको तीन भागों में हमने विभाजित किया था। कहते हैं कि वास्तविक अनुभव, जब हम ये पाठ्यक्रम पढ़ते रहते हैं तो हम जब आगे जाते हैं तो उन अनुभवों का जो पाठ्यक्रम जो ज्ञान हमने कह रहे हैं हम कि प्राथमिक स्तर पर मिडिल स्तर पर हाई स्कूल पर और फिर हम कहते हैं हमारा कहते हैं कि विश्वविद्यालय स्तर पर जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो यही ज्ञान हमारे अनुभव बन जाते हैं, वो पूर्व हमारे अनुभव वास्तविक अनुभव बन जाते हैं और उन अनुभवों को हम आगे काम में लेने लगते हैं। तो ये एकीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर होता है कि ये वास्तविक हमारे अनुभवों पर आधारित होता है। फिर है इसमें विषयों का एकीकरण, यानी कि सभी विषयों को इसमें एकीकृत कर लिया जाता है, हर विषयों के साथ इस का संबंध स्थापित कर लिया जाता है। और इसमें मैंने आपको बताया कि हमारा जो एकीकृत पाठ्यक्रम है, हमारा एकीकृत पाठ्यक्रम, इसे जब हम कहते हैं कि हमारा जो परंपरागत पाठ्यक्रम है प्रथम हमारा कहते हैं इसको प्राथमिक स्तर पर, हमारा जो प्रथम हमारा पाठ्यक्रम है प्राथमिक विद्यालय के लिए हमने देखा है कि जो प्राथमिक विद्यालय में हमारा पाठ्यक्रम होता है उसमें क्रियाओं से कोई संबंध
संबंध नहीं होता, अनुभव से हमारा संबंध नहीं होता। हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को हम क्या किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, हमारा ये बच्चों की खुद की, कहते हैं ना कि बच्चा हमारा जिस एज में जब हमारे पास जाता है, हम क्या यहाँ पर विभिन्न विधियाँ जो हम प्रयोग लेते हैं वो विधियाँ हमारी उस पर आधारित। हम ये कहें कि बच्चा स्कूल में प्रवेश कर रहा है, पहले हम उसको सिखाते हैं, ना कि हम उसको क्रिया करने के लिए देते हैं, क्योंकि बच्चे का कोई अनुभव थोड़ी ना होता है। यहाँ पर जो प्राथमिक पाठ्यक्रम है, यहाँ पर विद्यार्थियों का कोई अनुभव नहीं होता, यहाँ पर हमको सिखाया जाता है। तो यहाँ पर प्रथम जो हमारा प्राथमिक कहते हैं कि प्राथमिक जब हम विद्यालय में पाठ्यक्रम की भूमिका को देखेंगे तो वो पाठ्यक्रम हमारी क्रियाओं में, क्रियाओं पर नहीं होता, जहाँ पर हम उसको अधिगम करवाते हैं अर्थात हम उनको सिखाते हैं। फिर हम देखें कि माध्यमिक स्तर पर हम जो पाठ्यक्रम लेते हैं, विभिन्न जो हमारी सारी विषय होती हैं, उन विषयों को जो हम समझते हैं, उन विषयों का हमारा एकीकरण, जहाँ हम कहते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हम सारे विषयों का जो पढ़ते हैं, इन विषयों को समझने में बहुत कठिनाई होती है या हम उनसे समझा नहीं पाते। थर्ड हम देखें कि हायर सेकेंडरी लेवल पर जब हम विषयों का चयन करते हैं, तो जो हमने माध्यमिक स्तर पर अगर हमने उन पाठ्यक्रमों का, उन विषयों का सही ढंग से ऑब्जर्व या निरीक्षण, या कहें कि हमने ज्ञान सही तरह से प्राप्त नहीं किया है, तो वो कमी हमारे साथ हमारी हायर सेकेंडरी के लेवल पे भी दिखाई देती है, क्योंकि हम उन विषयों का सही ढंग से चयन नहीं कर पाते जो हमारे लिए काम होती है। तो उसमें बताया गया कि पाठ्यक्रम में जो हमारे प्रचलित, जो हमारा पाठ्यक्रम पहले का परंपरागत जो पाठ्यक्रम था, उनमें इन तीनों आधारों पर कोई भी अंतर नहीं था। इन्होंने जो पाठ्यक्रम बनाया, इसीलिए जो आज का प्रचलित पाठ्यक्रम है, उनमें इन सब चीज़ों का समावेश किया गया है कि आज जो हमारा पाठ्यक्रम बन रहा है वो प्रत्येक प्राथमिक स्तर का अलग बनता है, माध्यमिक स्तर का अलग है हमारा और हाई सेकेंडरी का। तो ये अंतर हम जब हम परंपरागत हमारा पाठ्यक्रम था उस समय इन चीज़ों में कोई भी अंतर नहीं था। अब हम इसकी लिमिटेशन देखें तो फर्स्ट हम देखते हैं इसकी लिमिटेशन कि सभी विषयों का एकीकरण संभव नहीं, यानी कि जिस तरह से यहाँ इकाइयाँ अलग अलग होती हैं, उन इकाइयों को हम सभी विषयों के साथ जोड़ दें तो यहाँ भ्रम की स्थिति होती है। तो वही यहाँ पर भी कहा जाता है कि जब हम विषयों का एकीकरण करते हैं तो वो एकीकरण बच्चों को समझ में नहीं आता, कई बार ये एकीकरण करना हमारे लिए असंभव हो जाता है। फिर है रुचियों के आधार पर एकीकरण असंभव, यानी कि अगर हम कहें कि बच्चा अपनी रुचि के आधार पर एकीकरण करे तो वो एकीकरण जरूरी नहीं है कि हमारा पाठ्यक्रम उसको मानने को तैयार रहे। हमारे जो आयोग जो पाठ्यक्रम बनाते हैं वो उस रुचि को विद्यार्थी की, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि अलग अलग होती है, तो जरूरी नहीं है वो रुचि उस चीज़ को माने। फिर है हाई स्कूल पर एकीकरण अनुचित, जो हम हाई स्कूल पर अगर हम कहते हैं कि हम विषयों का अगर हम एकीकृत कर लेते हैं, पाठ्यक्रम का एकीकरण करते हैं, तो वो एकीकरण हमारा अनुचित होता है। ये हमारा सुसंबंध या संबंधित वे एकीकृत पाठ्यक्रम था जिसमें मैंने आपको विशेषताएं बताई और इसकी कमियां बताई, और एकीकृत पाठ्यक्रम की मैंने आपको विशेषताएं और लिमिटेशन बताई। ये हमारे जो ज्ञान के कहते हैं कि पाठ्यक्रम के हमारे प्रकार थे आज, वो आज हमारे पाठ्यक्रम के प्रकार पूरे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। ये जो हमारा पाठ्यक्रम का टॉपिक है ये बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम का आपका प्रत्येक विषय से जुड़ा हुआ है, ये आपके प्रत्येक पुस्तक में भी मिलेगा, साथ में ये आपके आने वाले जो फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड में है उससे भी ये रिलेटेड है। तो इसे आप देखें और अपनी नोटबुक में। धन्यवाद।